वालेकुम, क्या हाल है? आप लोग खैरियत से ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे ई गेट की प्रिपरेशन के हवाले से। जैसे हमने एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई ई गेट जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट होते हैं, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको ई गेट टेस्ट देना पड़ेगा, अच्छे स्कोर लेने पड़ेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नेगेटिव मार्किंग होती है, कुछ में नहीं होती, तो डिपेंड करता है उनके क्राइटेरिया में। कुछ जो कहते हैं कि आपका मैट्रिक का कुछ प्रोपोर्शन ऐड होगा, इंटर का होगा और टेस्ट का होगा, तो अब ये डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया पे। तो एक वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, gotest.pk। तो इसको जैसे URL में आपको दिख रही होगी, इसमें आप जाएंगे। अब इसको आपने क्लिक किया तो यहाँ पे इसका ये पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद जो है, अगर आपने ई कैट की प्रिपरेशन करनी है, तो ई कैट के सेक्शन में आके इंग्लिश का अगर हम सवालात देखते हैं, इसमें इंग्लिश के सवालात में जो है वो यहाँ पे देखें, इन्होंने टॉपिक बताए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक आप कवर कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर मैं कोई भी टॉपिक को एक ओपन करूँ, तो स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्पॉटिंग एरर टेस्ट वन, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो MCQ आ जाएगा। आप चाहते हैं तो इसको कोई इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसको 20 मिनट्स दिए गए हैं, स्टार्ट टेस्ट में जाएं, ये इजीली आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपने इस तरह से अगर आपने कोई एरर स्पॉट करना है, ये आपको बता रहा है सी आंसर। अगर आप चाहते हैं तो सबमिट जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपका टेस्ट स्कोर आ जाएगा सारा, और यहाँ पे देखें करेक्ट आंसर्स हैं। उसके अलावा अगर हम दूसरा टेस्ट देखें, इसमें बैक पे जब हम जाएंगे तो सिनोनियम का टेस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, सैम्पल पेपर एक्चुअली है। यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट करेंगे, 20 मिनट्स का क्विज़ है, टाइमर भी साथ साथ चल रहा होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं तो उसमें हर सेक्शन का एक अपना टाइमर है। तो देखें इसमें 20 मिनट्स 4 सेकंड है, इस तरह से है। और जब मैं किसी को क्लिक करूँगा तो सबमिट, जब मैं इसको करा दूँगा तो ये यहाँ पे रिजल्ट कार्ड दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी टेस्ट की तैयारी करनी है। एक और हम इसमें देख लेते हैं, वोकेबलरी का सेक्शन। वोकेबलरी के सेक्शन में भी इस तरीके से है, और अगर आपने कोई इसको फीडबैक देना है तो स्टार्ट टेस्ट में जाएंगे और प्रोसीड करेंगे। और अगर हम पोर्शन देखें केमिस्ट्री, जो कि आपने इंटर की बुक्स में पढ़ी होगी केमिस्ट्री, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर मैं टेस्ट टू की बात करूं, यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट करेंगे, तो कोई सा भी आप इसमें सेक्शन देखें, इसमें क्वेश्चन आंसर आ गए। इसको अगर मैं सबमिट करता हूँ, नेक्स्ट करूँगा तो ये नेक्स्ट पे चले जाएगा, और सबमिट करूँगा और सी आंसर करूँगा तो ये यहाँ पे, अगर मैं इसको करता हूँ सी आंसर्स में, अगर मैं करूँगा तो देखें यहाँ पे आंसर भी दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना प्रोसीजर करना है। इसमें टाइमर साथ साथ चल रहा होगा, अगर आप चाहते हैं इसकी तैयारी करें तो इसमें अच्छा हो सकता है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस भी हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स में दिए गए हैं जो कि टेस्ट में आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सी आंसर मैं करूँगा तो देखें ये इस तरह से आपको आंसर भी देगा यहाँ पे, और अच्छे खासे इसमें जो हैं वो क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट फिज़िक्स का है, फिज़िक्स के सेक्शन में भी ये सारे टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं। देखें ये आपने इंटर में भी डेफिनेटली पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, तो ये वही होते हैं। अगर आपने बुक को भी स्टडी किया तो आप इंशाल्लाह टेस्ट इजीली कर सकते हैं। ये सारे रिलेटेड पोस्ट भी हैं यहाँ पे, देखें इस तरह से, और स्टार्ट टेस्ट जैसे हमने डिस्कस किया, देखें इस तरह से, ये यहाँ पे लोगों ने कमेंट भी दिया है इनको। इसके अलावा अगर हम कोई और सेक्शन खोलें, VF का सेक्शन खोलें, स्टार्ट टेस्ट में जाएंगे, 20 मिनट्स का टाइमर है, वो चलता रहेगा। देखिए इसमें अगर मैं इसको ये सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट करूँगा तो ये आपको आंसर दे देगा सारे।
ये रिज़ल्ट कार्ड दे देगा। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं इजीली, और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस क्वालिटी ना हो उसमें। मैथमेटिक्स का भी है, मैथमेटिक्स में ये सारे टॉपिक आ जाते हैं, इसमें देखें इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन है। यानी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा टाइम दें ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो इसमें, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के। अच्छा, और लास्ट इसमें कंप्यूटर के देखें ये सारे टॉपिक हैं। अगर मैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर करूं तो अगेन वही प्रोसेस है, 20 मिनट्स हैं आपके पास, और टाइमर साथ साथ चलता रहेगा। और स्टार्ट टेस्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सुपर कंप्यूटर को, सी आंसर्स में करूँगा तो टाइमर चल रहा होगा साथ साथ, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये सबमिट जब मैं करूँगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस तरह से देखें अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं इसमें, और एक उसमें जो है वो 25 क्वेश्चंस हैं, आपको 20 मिनट्स हैं, तो इतना ही टाइम आपको दिया जाता है। तो ये इंशाल्लाह ताला अच्छी वेबसाइट है, इसको रुजू करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।